आज के दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि कहा जाती है। आज शरद ऋतु में आने से उनको शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। और दूसरा वैज्ञानिक कारण इसमें यह है कि आज के दिन चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का अंतर बिल्कुल नज़दीक होता है, जो 12 महीने में कभी इतना अंतर नज़दीकी से नहीं आता है, इतना आज अंतर नज़दीक होता है। उनकी जो दोराई दूराई है वो बहुत नज़दीक, पृथ्वी और चंद्र दोनों ग्रह एकदम नज़दीक आने से आज रात्रि में इतना उजाला होता है कि नीचे 1 रुपया का सिक्का डाले तो भी उनके ऊपर जो सांप है वो हमको दिखाई देवे, इतना उजाला आज रात्रि पे होता है। यही कारण से उजाला ज़्यादा होता है कि पृथ्वी से चंद्र एकदम नज़दीक की में आ जाता है उनकी धुरी से, और ये उजाला, ये शीतलता में ऐसी है कि जो आज के दिन दूध पौवा की जो खीर बनाकर वो चंद्र के किरणों में रखते हैं रात को पूरी रात, तो इसमें शीतलता भर जाती है। और दूसरा इसमें वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि चौमासा के 4 मास के दरमियान मानव के शरीर के अंदर, पेट के अंदर, ओजरी के अंदर पित्त की समस्या ज़्यादा उपद्रव करती है। पौवा की खीर या तो दूध की खीर खाने का मतलब यही है कि वो पित्त को काट डालते हैं, पित्त का जो उपद्रव हुआ है वो खीर खाने से उनका उपद्रव थोड़ा सा शांत हो जाता है। ये भी महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो शास्त्रों में अनेक मतांतरों लिखने को देखने को मिलता है, लेकिन मेरी दृष्टि से जो है आज शरद पूर्णिमा के रात्रि का महत्व यही है। आपकी दृष्टि में से कुछ भी हो, हर एक की विचारधारा एक नहीं हो सकती कभी, कोई भी एक चीज़ के प्रति, एक थियरी के प्रति इस सृष्टि में अनेक प्रकार के मतांतर रहे हैं, लेकिन मैं जो कारण बता रहा हूँ उसकी पुष्टि विज्ञान भी करता है, खगोल शास्त्रियों भी यही कारण बताते हैं कि आज के दिन उजाला क्यों ज़्यादा होता है, पृथ्वी के नज़दीक एकदम चंद्र और पृथ्वी दोनों एकदम नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए वो शीतलता वाला चंद्र का किरणों ऐसा होता है जो शरीर को भी निरोगी करता है। रात्रि के अवस्था में चंद्र का किरणों मरे इसे अब सो बाहर घर के बाहर तो एकदम शरीर को निरोगी भी करता है। ये आज का बहुत महत्व की शरद पूर्णिमा की रात्रि का होता है। ऐसे तो